दोस्तों मोहब्बतें फिल्म में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन पहली बार एक साथ नजर आए थे और ये शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन दोनों के लिए ही एक अलग तरह का रोल था। अमिताभ बच्चन पहली बार इस फिल्म में एक बूढ़े कैरेक्टर में नजर आए थे और शाहरुख खान भी इस फिल्म में एक ओल्डर कैरेक्टर में नजर आए थे। हालांकि वो अपनी दूसरी पिक्चर में कॉलेज के लड़कों का रोल प्ले करते आए थे, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने पहली बार एक टीचर की भूमिका निभाई थी और ये अमिताभ बच्चन के लिए भी पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें वो सफेद दाढ़ी में दिखे थे। दोस्तों इस फिल्म की लेंथ लगभग 3 घंटे और 46 मिनट की थी और ये इंडियन सिनेमा के सबसे लंबी फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में शाहरुख खान का नाम राज आर्यन था, जो कि उनके असली बेटे आर्यन खान से इंस्पायर्ड था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान ने ये फिल्म बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही साइन कर ली थी, क्योंकि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा थे जिन्होंने शाहरुख खान के साथ इससे पहले फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे भी बनाई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी। और इसी वजह से शाहरुख खान ने मोहब्बतें फिल्म की स्क्रिप्ट सुने बिना ही इसे करने के लिए हाँ कह दिया था। दोस्तों इस फिल्म में जो गुरुकुल का सेट दिखाया जाता है वो इंडिया में कहीं भी स्थित नहीं है, बल्कि ये इंग्लैंड के बिल्ट शहर में स्थित लॉन्गलीट हाउस में शूट किया गया था। और दोस्तों गुरुकुल का ये सीन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है और ये फिल्म में 4 चांद भी लगाता है। अमिताभ बच्चन इस गुरुकुल के सख्त प्रिंसिपल नारायण शंकर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों इस फिल्म में उनका कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि सिंपल और नॉर्मल कपड़ों में रहता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर के कपड़े उस वक्त करण जौहर द्वारा डिजाइन किए गए थे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस रोल से पहले अमिताभ बच्चन के पास कोई भी काम नहीं था और वो उस वक्त बैंक करप्ट भी हो गए थे, ये उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बात कही थी। इसके बाद से वो उदय चोपड़ा के फादर यश चोपड़ा के पास काम मांगने गए थे और यश चोपड़ा के कहने पर ही उदय चोपड़ा ने अमिताभ बच्चन को इस रोल के लिए साइन किया था। और दोस्तों अमिताभ बच्चन ने इस रोल को बहुत ही बखूबी निभाया था और आज भी उनके कैरेक्टर नारायण शंकर को बहुत ही ज्यादा प्रेज किया जाता है। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा अपनी जिंदगी में सबसे पहले मोहब्बतें जैसी फिल्म ही बनाना चाहते थे, लेकिन इस आइडिया को उन्होंने पेंडिंग में रखा था और पहले उन्होंने DDLJ फिल्म बनाई थी और बाद में उन्होंने अपने पेंडिंग पड़े आइडिया मोहब्बतें को भी पर्दे पर उतार दिया था और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की तरह ही। दोस्तों इस फिल्म की कहानी के अलावा इस फिल्म के म्यूजिक को भी बहुत ही ज्यादा एप्रिसिएशन मिला था। फिल्म को जतिन ललित ने कंपोज किया था और आनंद बख्शी ने इस फिल्म के गानों को लिखा था और लता मंगेशकर, उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स की आवाज में इस फिल्म के गानों को रिकॉर्ड किया गया था। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के लगभग 50 लाख से ज्यादा साउंडट्रैक्स एल्बम्स उस वक्त सोल्ड किए गए थे और शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मोहब्बतें फिल्म का टाइटल पहले यश चोपड़ा अपनी एक मूवी में यूज करना चाहते थे, लेकिन उस मूवी का आइडिया ड्रॉप हो गया था। बाद में इस टाइटल को उदय चोपड़ा द्वारा इस्तेमाल कर लिया गया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में किम शर्मा, प्रीति झिंगियानी और शमिता शेट्टी के रोल्स के लिए पहले करिश्मा कपूर और काजल करने वाली थी, लेकिन उन दोनों एक्ट्रेस ने इन रोल्स को रिजेक्ट कर दिया था। फिल्म में 6 न्यूकमर्स थे और इन सभी न्यूकमर्स ने फिल्म की शूटिंग से 6 महीने पहले से ही इस फिल्म के लिए तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। फिल्म के सेकंड मेन लीड में जुगल हंसराज, उदय चोपड़ा और जिम्मी शेरगिल नजर आए थे और उन सबके चॉकलेटी बॉय के कैरेक्टर ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और उनके रोल को भी बहुत ही एप्रिसिएशन मिला था। दोस्तों फिल्म में ऐश्वर्या राय का भी एक छोटा सा कैमियो था और फिल्म के ट्रेलर के वक्त ऐश्वर्या राय का चेहरा इसमें रिवील नहीं किया गया था और ट्रेलर देखकर बहुत से लोगों को लगा था कि ये माधुरी दीक्षित हो सकती है, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सबको पता चला कि ये ऐश्वर्या राय का रोल था। दोस्तों ये पहले कैमियो रोल था, लेकिन इस रोल ने भी इस फिल्म में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी और फिल्म में ऐश्वर्या राय के रोल को भी बहुत ही ज्यादा प्रेज किया गया था। दोस्तों आज भी इस फिल्म को बहुत से लोग बार बार देखना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें शाहरुख खान ने एक अलग ही जादू छोड़ा था। तो दोस्तों ये थे फिल्म मोहब्बतें से रिलेटेड कुछ मजेदार फैक्ट्स। तो आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।